The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So heart attack minor hai ya major hai? Pahli baat to ye kaise decide hota hai? Dusri baat ki kya minor heart attack dangerous hota hai? Kya usse bhi जान जा सकती है? मेजर से तो जा ही सकते हैं, आप जानते हैं हार्ट अटैक तो हार्ट अटैक, हार्ट अटैक है। सबसे पहले समझते हैं माइनर अटैक क्या है और मेजर अटैक क्या है। उसके पहले उससे ले लेते हैं हमारा ये हार्ट का पर्ची, सिंपल पॉम्पलेट, अ सिंपल एक्सप्लेनेटिंग थिंग। सो होता क्या है कि हार्ट के अंदर बहुत सारी खून की नसें होती हैं, समथिंग लाइक दीज। आई होप यू कैन सी, मैं थोड़ा सा एंगल कर रहा हूँ ऐसे ताकि आपको दिख पाए। राइट, आई डोंट नो वेदर यू कैन सी और नॉट। राइट, ऐसे ऐसे जैसे लाल लाल है वैसे खून की नसें होती हैं। इट्स लाइक अ पेड़, इट्स लाइक अ ट्री। राइट, एक बेस होता है, बेस से उसकी ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही ऐसे बहुत सारे तीन मेन नसें होती हैं। ठीक है, अब तीन नसों में माइनर और मेजर अटैक कैसे होता है? एक माइनर अटैक तब कहा जाता है अगर आपकी जो खून की नसें हैं, जो पेड़ है, उस पेड़ की ब्रांचेज में कोई छोटी मोटी ब्रांच ब्लॉक हुई हो। अगर कोई छोटी मोटी ब्रांच, जैसे पेड़ की कोई शाखा, डंगाल, ब्रांच टूट भी जाए तो पेड़ को कोई मेजर नुकसान नहीं होता। वैसे ही एक माइनर हार्ट अटैक में, अगर मान लीजिए ये पेड़ है, पेड़ की 5 शाखाएं हैं, एक छोटी शाखा में से एक छोटा सा हिस्सा टूट भी जाए तो आपकी जान नहीं जाएगी। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी। जैसे कोई हाथ है, हाथ अगर यहाँ से कट जाएगा तो आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपने अपने नस काट ली यहाँ पर तो यहाँ से खून बह बह के जान जा सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसे ही अगर मेन नस आपकी, एक मेन खून की नस ब्लॉक हो गई तो बहुत तुरंत जान जा सकती है। और मोटी मोटी नसें भी ब्लॉक हो गई कहीं मेन मेन जड़े के आसपास, या मेन जो तीन मेन नसें हैं, तीन मेन नस में जो मेन ट्रंक है वो ब्लॉक हो गई तो वो मेजर हार्ट अटैक हो जाता है। राइट, और वहाँ पर जान जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन माइनर अटैक में अगर कोई छोटी मोटी नस ब्लॉक है तो वहाँ पर जान जाने का खतरा कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। क्यों होता है? अब यहाँ पर छोटी मोटी नस अगर ब्लॉक हो जाए, कोई एक पेड़ की एक छोटी शाखा, एक छोटी ब्रांच ब्लॉक हो जाए, तो उस ब्लॉक एरिया जहाँ पर वो ब्लॉक है उस एरिया पर डिपेंड करेगा कि वो एरिया क्या करता है, और उस एरिया के काम खराब हो जाएगा, वहां काम नहीं हो पाएगा। तो अगर कहीं वो एरिया आपकी किस्मत खराब हो और ऐसा एरिया हुआ जो कि धड़कन कंट्रोल करता है हार्ट का, ऐसे नोड, एवी नोड, राइट, जो उसका जो हार्ट के अंदर जो इम्पल्स जनरेशन की जो पाइपलाइन है, जो नर्व्स हैं, वहां पर कुछ खराबी आ गई, इन्फीरियर वॉल में प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर आपको छोटे माइनर अटैक में भी धड़कन की इरेगुलरिटी आके हार्ट रुक सकता है। हार्ट ब्लॉकेज जिसको कहते हैं, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, वो हो सकता है, उस केस में भी जान जा सकती है। सो ऐसा नहीं है कि आप माइनर हार्ट अटैक होगा तो कोई बात नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। दूसरी चीज, एक माइनर अटैक में ये बात तो पक्की है कि क्लॉट आया है, कहीं से खून का क्लॉट हुआ है, तो अगर खून का क्लॉट हुआ है, माइनर अटैक हुआ है, तो ये भी पॉसिबल है कि और भी जगहों पे ब्लॉकेज आ जाए। ऐसा नहीं होता कि एक क्लॉट हुआ, एक अटैक हुआ तो कभी कभी एक के ऊपर दूसरा अटैक फिर से हो सकता है। कभी कभी खून का क्लॉट एक जगह बनता है, फिर दूसरी जगह और बन सकता है, और क्लॉट बन के मेजर अटैक बन सकता है। तो माइनर अटैक कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ मेजर अटैक, दैट्स वन थिंग। माइनर अटैक कैन कॉज रिदम प्रॉब्लम्स, कैन कॉज अदर प्रॉब्लम्स। सो माइनर अटैक भी, लेकिन माइनर अटैक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और बेसलाइन चीज़ है कि अगर ब्रांचेस में छोटी मोटी नसों में है तो उसके लिए छल्ला नहीं लगता, स्टेंट नहीं लगता। राइट, स्टेंट छल्ला लगता है मेन नसों में, जो मेन ट्रंक है उसमें स्टेंट छल्ला माइनर अटैक या माइनर नसों के ब्लॉकेज में नहीं लगता है, ये बात आपको समझनी है। सो माइनर अटैक होगा, माइनर हार्ट अटैक होगा तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है, ECG करानी है। मेजर होगा या कोई भी अटैक होगा तो 24 से 48 घंटे तक रिस्क होता है। किसी का भी कोई भी अटैक, हार्ट अटैक हो, माइनर हो, मेजर हो, किसी भी प्रकार का हो,
वो बढ़ सकता है, मेजर में तब्दील हो सकता है, डैमेज बढ़ता जा सकता है, तो 24 से 48 घंटे खतरनाक होते हैं पहले। ट्रीटमेंट सबसे पहले 6 घंटे में मिल जाना चाहिए, जितनी जल्दी मिलेगा उतना अच्छा, जितना लेट होगा उतना डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाने पे वो हिस्सा काम नहीं करेगा, अगर वो हिस्सा किस्मत अच्छी हुई वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ तो हार्ट काम करता रहेगा, अगर वो हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो आपकी हार्ट पे, आपकी लाइफ पे कैटास्ट्रॉफिक मेजर इफेक्ट आ सकता है। सो ये डिफरेंस है माइनर हार्ट अटैक का। माइनर हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट और मेजर हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट दोनों ही कुछ एस्पेक्ट्स बहुत सिमिलर हैं। नंबर वन, आपको ब्लड थिनर दिए जाते हैं, खून पतला करने की गोलियां दवाइयां दी जाती हैं, उनके पूरी तरह से बॉडी के असर, खून को पतला करने के लिए उनको भी 24 से 48 घंटे लगते हैं, राइट। नंबर टू, आपको वही दवाएं लोडिंग में दी जाती है सबसे पहले, और फिर रेगुलर आप छोटे छोटे डोज में ले जाते हैं ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर के अलावा एंटी कोएगुलेंट्स दिए जाते हैं। कोएगुलेंट्स क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है वो एक हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट है, मतलब उस समय खून के अंदर क्लॉट बनने की टेंडेंसी आ गई है, एक जगह क्लॉट बनता है, कई बार वो क्लॉट के चलते दूसरा क्लॉट, तीसरा क्लॉट, चौथा क्लॉट, क्लॉट ही क्लॉट, पेशेंट ख़त्म, बहुत डेंजरस होता है। सो क्लॉट टेंडेंसी को कम करने के लिए एंटी कोएगुलेंट दिया जाता है, राइट। एंटी कोएगुलेंट खून पतला करने के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े बड़े इंजेक्शन भी आते हैं, राइट। और क्लॉट घोलने के बहुत मेजर इंजेक्शंस भी आते हैं। ऑब्वियसली खून पतला करने की दवाएं हैं तो ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, लेकिन कुछ नहीं किया तो जान जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल जैसे गोली है, गोली डाली है, गोली लग गई है तो चीरा मार के ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसमें भी ब्लीडिंग का रिस्क तो रहेगा, लेकिन गोली नहीं निकाली तो भी गड़बड़। पर गोली निकाल दी तो इसका मतलब नहीं सब ठीक हो गया, उसका मतलब ये नहीं घाव नहीं है, घाव तो है। सेम वे अगर माइनर अटैक है, मेजर अटैक है, जब अटैक रोक दिया, चाहे दवा दे के, चाहे छल्ला डाल के, चाहे खून पतला करके, घाव तो है, जहाँ पे डैमेज हुआ था, जहाँ पे खून नहीं गया उतने एरिया में डैमेज हुआ, घाव तो है, उस घाव के वजह से भी आपको रिस्क रहता है अगले 24 से 48 घंटे तक। रिकवरी रिकवरी स्लोली होती है, अगर आप सही मात्रा में, सही टाइम पे इलाज ले लेते हो, सही समय पे दवाई लेते हो, सब कुछ करते हो, स्मोकिंग वोकिंग जो बुरी आदतें हैं, शुगर, बीपी, थायराइड, उनको मैनेज करते हो, स्मोकिंग बंद करते हो, दारू पीना बंद करते हो, वजन कम करते हो, सब करते हो, तो अगले 1-2 हफ्ते में, मतलब मोबिलाइज तो आप जल्दी हो जाते हो, 1 हफ्ते का रेस्ट दिया जाता है अच्छे, 1 से 2 हफ्ते का, 1 से 2 हफ्ते के बाद आप अपने धीरे धीरे लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं। दौड़ना भागना ये डिपेंड करता है आपके हार्ट में कितना डैमेज हुआ, अगर आपका हार्ट रिकवर जल्दी हो जाए, अगर आप 6 घंटे से पहले पहले इलाज करवा लेते हैं, चाहे कितना भी मेजर हार्ट अटैक हो, राइट, अगर अगर आपको समय मिल जाता है, देखिए एक तो किस्मत है, अगर तो नस पूरी मेन नस बंद हुई तो हार्ट तुरंत रुक भी सकता है, कई लोगों को ऐसा ही होता है, डायबिटिक वाले को पता भी नहीं चलता कब नस बंद हुई, साइलेंट हार्ट अटैक आ सकता है, हर एक डायबिटिक वाले को साइलेंट नहीं आता लेकिन आ सकता है। सो अगर किस्मत अच्छी थी, आप हॉस्पिटल पहुंच गए समय पे, अटैक दिख गया, अटैक मिल गया, आपने खोल दिया, आपने अपना इलाज करवा लिया, चाहे दवा से कराया चाहे स्टेंट से करवाया, तो रिकवरी डिपेंड करेगी हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन में, हार्ट के पंपिंग पावर कितना रह गया ऑपरेशन से, यानी जो भी चीज़ हुई, स्टंट लगाया, दवाई दी, उसके बाद उसको मॉनिटर करना पड़ेगा कुछ टाइम बाद, 6 महीने, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, कि पंपिंग पावर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, रिकवरी हुई कि नहीं हुई, क्योंकि ये नहीं देखा जा सकता कि परमानेंट डैमेज हुआ कि नहीं हुआ, वो तो समय बताएगा, रिकवरी हुई कि नहीं हुई वो समय बताएगा। सो माइनर हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक दोनों डेंजरस है, हार्ट अटैक को लाइटली नहीं लेना, दवाई हमेशा लेना, मैनेज योर रिस्क फैक्टर्स, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। हार्ट अटैक के बारे में हमारे और भी वीडियोज़ हैं, ज़रूर जाके देखिए ताकि आपको रिस्क फैक्टर समझ आए, राइट। और सही लगा वीडियो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और अपने सवाल लिख सकते हैं, जो भी आपके सवाल हैं ऑब्वियसली हम जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, राइट। सो और क्या सवाल?